हेलो गाइस, दिस इज अजय पांडे एंड वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने 13,000 से 28,000 तक के करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे और आज की इस वीडियो में हम 21,000 से 28,000 तक के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और गाइस, हमारी डेली जीके पीडीएफ, फ्री कंटेंट, डाउट रूम, जॉब नोटिफिकेशन के लिए आप हमारी ऐप बीबोर्ड को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारी फ्री कंटेंट पीडीएफ के लिए आप अपना नाम और शहर हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, विच इंडियन कंपनी टॉप्स फॉर्च्यून्स ग्लोबल लिस्ट फॉर रैपिडली एक्सपेंडिंग एक्सेस टू द इंटरनेट। इंटरनेट पर तेजी से बढ़ने में किस भारतीय कंपनी ने फॉर्च्यून की ग्लोबल लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है? और इसका जवाब है रिलायंस जियो। तो गाइस, फॉर्च्यून ने 20 अगस्त 2018 को एक ग्लोबल लिस्ट रिलीज की है जिसका नाम है चेंज द वर्ल्ड। और इस लिस्ट में ऐसी कंपनी शामिल है जो कि सामाजिक समस्याओं से निपटने में मदद करती है। और इस लिस्ट में रिलायंस जियो ने मर्क, बैंक ऑफ अमेरिका जैसी दिग्गज कंपनियों को पीछे करके पहला स्थान प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की। विच बैंक रैंक फर्स्ट फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस या वित्त सेवा विभाग के अनुसार कौन सा बैंक डिजिटल ट्रांजैक्शन में सर्वश्रेष्ठ है? और इसका जवाब है पंजाब नेशनल बैंक। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के अकॉर्डिंग पंजाब नेशनल बैंक को सभी तरह के डिजिटल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ पब्लिक सेक्टर बैंक माना गया है और इसे डिजिटल परफॉर्मेंस में ओवरऑल 6वें स्थान में रेट किया गया है विद स्कोर ऑफ 71। तो दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, Where does India's largest incubator Bamashah Techno Hub launched? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक इंक्यूबेटर कहां लॉन्च किया गया? And correct answer is जयपुर। तो राजस्थान में स्टार्टअप्स को मजबूत बनाने के लिए वहां की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 23 अगस्त को भारत का सबसे बड़ा बिजनेस इंक्यूबेटर बामाशाह टेक्नो हब नाम से लॉन्च किया है। और जिन्हें ये नहीं मालूम, मैं उन्हें बता दूं कि नए स्टार्टअप को कम कीमत और फैसिलिटीज के साथ उपलब्ध कराई गई जगह को इंक्यूबेटर कहा जाता है। तो दोस्तों, ये इंक्यूबेटर जिसे जयपुर में लॉन्च किया गया है, ये स्टार्टअप्स उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरशिप, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क जैसी चीजों में समर्थन प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। Who is appointed as new governor of Jammu and Kashmir? जम्मू और कश्मीर का नया राज्यपाल किन्हें अपॉइंट किया गया? And answer is सत्यपाल मलिक। तो सत्यपाल मलिक जम्मू और कश्मीर के नए राज्यपाल होंगे और ये एनएन वोरा का स्थान लेंगे। अभी एट प्रेजेंट मलिक जी बिहार के राज्यपाल हैं और दोस्तों, सत्यपाल मलिक जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाले पहले करियर पॉलिटिशियन होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू गवर्नर ऑफ त्रिपुरा? त्रिपुरा का नया राज्यपाल किन्हें अपॉइंट किया गया है? और इसका जवाब है कप्तान सिंह। तो हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को त्रिपुरा का नया राज्यपाल अपॉइंट किया गया है। इससे पहले तथागत रॉय त्रिपुरा के राज्यपाल थे जो कि अब मेघालय के राज्यपाल होंगे। अगला सवाल है, Who is appointed as new governor of Uttarakhand? उत्तराखंड का नया राज्यपाल किन्हें अपॉइंट किया गया है? आंसर इज रानी मौर्य। तो गाइस, 26 अगस्त 2018 को रानी मौर्य जी ने उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है और कृष्णकांत पॉल की जगह लेंगी जिनका की 5 वर्ष का कार्यकाल अगस्त 2018 को समाप्त हो गया था। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। And our next question is, where does fourth BIMSTEC summit is going to be held? BIMSTEC yani ki Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation ka chautha sammelan kahan hoga? And answer is Kathmandu. Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation ka chautha shikhar sammelan 31 अगस्त ko Nepal ke Kathmandu mein aayojit kiya jayega. To Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation ka चौथा शिखर सम्मेलन 30 और 31 अगस्त को नेपाल में काठमांडू में आयोजित किया जाएगा और शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। और दोस्तों, ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के नेता सहयोग के क्षेत्रों में अब तक की प्रगति की समीक्षा करेंगे और बिम्स्टेक के भविष्य के कार्यों का मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक द्वारा लॉन्च किया गया पहला ब्लॉकचेन बॉन्ड का क्या नाम? एंड आंसर इज बॉन्ड आई।
तो गाइस इस बैंक ने बॉन्ड आई लॉन्च किया है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करके दुनिया के पहले बॉन्ड को बढ़ाएगा, काउंटन करेगा, उसको ट्रांसफर करेगा और उसको मैनेज करेगा। और इस दो वर्ष के बॉन्ड ने सक्सेसफुली 110 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर बढ़ाए हैं। और गाइस ऐसा पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड बैंक की डेवलपमेंट एक्टिविटीज को इन्वेस्टर ने पूरी तरह सपोर्ट किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Who is elected as the new Prime Minister of Australia? Australia के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें चुना गया है? And answer is Treasurer Scott Morrison. तो वैसे ट्रेजरर स्कॉट मॉरिसन को पूर्व गृह मंत्री पीटर डटन के खिलाफ 40 से 45 के आंतरिक वोट से जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है और मॉरिसन मलकम टर्नबुल के बाद कार संभालेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। Who developed the biofuel used in India's first biofuel powered flight lander in Delhi? दिल्ली में उतरा भारत का पहला जैव ईंधन संचालित उड़ान में इस्तेमाल जैव ईंधन का विकास किसने किया है? आंसर इज CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, IIP। तो गाइस देश के विमान और ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन के रूप में भारत की पहली जैव ईंधन संचालित उड़ान देहरादून और दिल्ली के बीच की दूरी को तय करती हुई दिल्ली में उतरी। इसका जैव ईंधन भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा विकसित किया गया है और स्पाइस जेट द्वारा इसका उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया। और दोस्तों ये 75% बायो टर्बाइन फ्यूल और 25% बायोजेट फ्यूल के मिश्रण के साथ संचालित थी। ATF की तुलना में बायोजेट फ्यूल का उपयोग करने का लाभ यह है कि यह कार्बन को कम करता है और ईंधन दक्षता को बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी नया रायपुर इज गोइंग टू बी नेम्ड। आगे चल के नया रायपुर का नाम क्या होगा? एंड आंसर इज अटल नगर। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के आगामी राजधानी शहर नया राजपुर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में अटल नगर नाम देने का फैसला किया है। राजधानी के अलावा वाजपेयी जी के नाम पर कई अन्य सरकारी संस्थानों और परियोजनाओं का नाम रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द 9th एडिशन ऑफ माउंटेन इको लिटरेचर फेस्टिवल बिगिन। माउंटेन इको लिटरेचर फेस्टिवल के 9वें सत्र की शुरुआत कहां हुई? एंड आंसर इज थिम्फू, भूटान। तो भूटान के थिम्फू में माउंटेन इको लिटरेचर फेस्टिवल के 9वें सत्र की शुरुआत हुई। यह उत्सव भारत भूटान फाउंडेशन और भारत की अग्रणी साहित्यिक एजेंसी स्याही की पहल है और 2018 के उत्सव के दौरान भारत और भूटान के बीच औपचारिक राजनीतिक संबंधों के 50 वर्षों का जश्न मनाया जाएगा। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which security feature does UIDAI made essential? UIDAI किस सुरक्षा सुविधा को आवश्यक बनाएगा? And correct answer is facial recognition. तो वैसे UIDAI ने हर प्रकार के प्रमाणीकरण के लिए चेहरे की पहचान को अनिवार्य कर दिया है जिसके लिए भी आधार की आवश्यकता हो और यह उस प्रक्रिया के साथ किया जाएगा जिसमें फिंगरप्रिंट या आई स्कैन के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है। नया मोबाइल सिम, बैंक खाता खोलना या सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसमें आमतौर पर आधार प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाता है, इन जैसी सेवाओं में अब इस अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा को लागू किया जाएगा। आगे बढ़ते हमारे अगले सवाल की ओर। When did Fame India 2 scheme will be launched? Fame India योजना का दूसरा चरण कब लॉन्च होगा? And correct answer is September 7. तो फेम इंडिया योजना का दूसरा चरण 7 सितंबर 2018 को लॉन्च किया जाएगा और फेम इंडिया 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया सहित इलेक्ट्रिक वाहनों को सभी श्रेणियों को सब्सिडी प्रदान करेगा और फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल फेम योजना देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हाउ मच मोर हाउस Does government approved under प्रधानमंत्री आवास योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार ने और कितने घरों की मंजूरी की है? And answer is 1.12 lakh.
तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8 राज्यों में शहरी गरीबों के लिए 1.12 लाख और किफायती घरों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। इस योजना को लागू करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का अधिदेश अनिवार्य है और PMAY भारत सरकार द्वारा एक पहल है जिसमें 31 मार्च 2022 तक शहर के जितने भी गरीब हैं या जिनके पास घर नहीं है उनको किफायती रूप में आवास प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक अटल जी ने कहा, अटल जी ने कहा किताब का लेखक कौन है? एंड आंसर इज ब्रिजेंद्र रेही। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर पुस्तक आरंभ की गई है। पुस्तक का शीर्षक है अटल जी ने कहा और पुस्तक को ब्रिजेंद्र रेही द्वारा लिखा गया है और संकलित किया गया है। और पुस्तक लेखक के 3 हस्ताक्षर के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री के चुनिंदा भाषणों और तस्वीरों का एक समृद्ध भंडार। आगे बढ़ते हमारे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट कोविंद इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में राष्ट्रपति कोविंद द्वारा उद्घाटन अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का क्या थीम है? एंड करेक्ट आंसर इज बुद्ध पथ द लिविंग हेरिटेज। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया है और सम्मेलन का विषय है बुद्ध पाथ द लिविंग हेरिटेज। इसका उद्देश्य भारत में बौद्ध विरासत को प्रदर्शित करना और देश में बौद्ध स्थलों में पर्यटन को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। Who is the highest paid female athlete? दुनिया की highest paid महिला एथलीट कौन है? And answer is Serena Williams. तो फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित एक ईयरली लिस्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सफल टेनिस खिलाड़ियों में से एक सेरेना विलियम्स लगातार 3 वर्षों से हाईएस्ट पेड वुमेन एथलीट रही हैं और इस लिस्ट में पीवी संधू 7वें स्थान पर एकमात्र भारतीय महिला एथलीट है। आगे बढ़ते हमारे अगले सवाल की ओर। Who won gold in 10 meter air pistol shooting at Asian Games 2018 on 21st August 2018? 21 अगस्त 2018 को एशियाई खेलों में 10 meter air pistol shooting में स्वर्ण किसने जीता है? And correct answer is सौरभ चौधरी। तो सौरभ चौधरी ने 21 अगस्त 2018 को एशियाई खेलों में पिस्टल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है और सौरभ चौधरी एशियाई खेलों के इतिहास में स्वर्ण का दावा करने वाले 5वें भारतीय शूटर बने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द नेम ऑफ इंडियन रोइंग टीम मेंबर हु वॉन गोल्ड इन मेन क्वाड्रपल? भारतीय रोइंग टीम के सदस्यों के क्या नाम है जिन्होंने पुरुषों के क्वाड्रपल सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीता है? एंड करेक्ट आंसर इज सवर्ण सिंह, दत्तू भूकानल, ओम प्रकाश और सुखमीत सिंह। तो भारतीय नौकायन टीम ने इंडोनेशिया में चल रहे एक एशियाई खेलों में पुरुषों की क्वाड्रपल सिंगल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और भारतीय नौकायन टीम में सवर्ण सिंह, दत्तू भूकानल, ओम प्रकाश और सुमित सिंह शामिल थे। यह नौकायन भारत का पहला स्वर्ण पदक था और इंडोनेशिया ने रजत पदक जबकि थाईलैंड ने कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन इज, विच मेडल डज इंडियन मेंस टेनिस डबल टीम वॉन एट द एशियन गेम इन पैलमबैंग? पैलमबैंग में एशियाई खेलों में भारतीय पुरुषों की टेनिस डबल टीम ने कौन सा पदक जीता है? एंड करेक्ट आंसर इज गोल्ड। तो रोहन बोपन्ना और दिविज शरण ने इंडोनेशिया के पैलमबैंग में एशियाई खेलों में अपना पहला पुरुषों का टेनिस डबल स्वर्ण पदक जीता है। बोपन्ना और शरण ने कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक और डेनिस येवसेयेव को हराया। आगे बढ़ते हैं हमारे लिए सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मेडल डज इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम वॉन एट द एशियन गेम 2018? एशियाई खेल 2018 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? एंड आंसर इज सिल्वर। तो भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेल 2018 में रजत पदक जीता है और अंतिम मैच में ईरान ने भारतीय टीम को हराया था। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। Who won gold in shot put at the Asian Games 2018? Asian Games 2018 में शॉट पुट में गोल्ड किसने जीता है? करेक्ट आंसर इज तजिंदर पाल सिंह। तजिंदर पाल सिंह ने एशियाई खेल 2018 में पुरुषों के शॉट पुट में गोल्ड जीता है और गेंद को 20.75 मीटर तक फेंक कर उन्होंने स्वर्ण जीता और राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ईयर डज स्प्रिट्जर टेलीस्कोप कंप्लीटेड इन स्पेस? स्प्रिट्जर टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में कितने साल पूरे किए हैं?
एंड करेक्ट आंसर इज 15 ईयर। तो गाइस ग्रेट ऑब्जर्वेटरी कार्यक्रम में शामिल सबसे कम आयु वाले नासा के स्विट्जरलैंड स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में 15 साल पूरे हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ग्रेट ऑब्जर्वेटरी में स्विट्जरलैंड टेलीस्कोप के अलावा 4 और बड़े टेलीस्कोप आते हैं, जैसे कि हबल स्पेस टेलीस्कोप, क्वांटम गामा रे ऑब्जर्वेटरी और चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। और दोस्तों इन टेलीस्कोप के माध्यम से प्रकाश के अलग अलग और पूरक तरंग या कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ से ब्रह्मांड का अवलोकन किया जाता है। तो वह ये था और आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें, एंड इफ यू वांट एनी चेंजेस विद इन द वीडियो देन प्लीज डू कमेंट। और हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो थैंक यू एंड टेक केयर।